हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दीपावली का त्यौहार आ गया है, दीपावली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। तो चलिए आज मैं पूजा विधि बताती हूँ और सामग्री के साथ कि क्या क्या सामग्री इसमें लगता है। और देखिए, मैं आम के पत्ते से ये तोरण बनाई हूँ और इसमें चंदन और हल्दी लगाई हूँ। इसी तरह से आप लोग भी तोरण बनाइएगा। मैं अगले वीडियो में तोरण बनाने की विधि भी आपको बता दूंगी। और ये नया गणेश लक्ष्मी जी मैं लाई हूँ खरीद के, दोनों लोगों को वस्त्र नया सिलकर पहना दी हूँ। अब मेरे पास चांदी का गणेश लक्ष्मी पहले से था, लेकिन नया ले आते हैं हर साल और मिट्टी का ले आके साल भर रख पूजा करने के बाद इनको हर साल किसी गमले में या किसी जगह पर प्रवाहित कर देते हैं। तो ये देखिए, अब कलश में श्री लिखा जाता है कलश पे और ये स्वास्तिक बना दिया जाता है और गले में कलावा लपेट दिए हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें ये गंगा जल डालना है। ये देखिए, इसमें गंगा जल डालकर अब उसके बाद से हमें ये नीचे हम चावल रखे हैं। अब इसमें हमको कुछ सामग्री डालना है। देखिए, इसमें एक हल्दी खड़ी, अगर आपके पास ना हो तो पिसा हुआ भी आप डाल सकती हैं, एक खड़ी सुपारी और थोड़ा सा अक्षत और एक फूल और एक सिक्का ज़रूर डालिएगा इसमें, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में सिक्का ज़रूरी है। डालने के बाद अब इसमें आप पानी से इसको भर दीजिए। अब ये आम का पल्लव इस पर रख दीजिए। इसमें पल्लव देखिए एक ही में जुड़ा हुआ है, चाहे सात रहे या पांच रहे, इस तरह से रोली चंदन ज़रूर लगाइएगा। आइए, इसमें स्वास्तिक बना हुआ है और ये चावल मैं रखती हूँ। अब ये नारियल, देखिए आपका धागा हो तो धागा से रक्षा सूत्र लपेट दीजिए। अब मैं कपड़े से इनको लपेट के ये नारियल रखती हूँ इस पर। अब हमें अगरबत्ती दीपक जला लें तब गणेश लक्ष्मी को नहला के तब पूजा शुरू किया जाए। अब ये धूप को मैं जला के रख दे रही हूँ। पहले हम बर्तन में गंगा जल डाल देंगे, उसके बाद इसमें पानी डालकर सब देवी देवता को, कलश को, सबको स्नान कराएंगे। अब स्नानम समार्पयाम गणेश देवताए नमः, स्नानम समार्पयाम माँ लक्ष्मी, स्नानम समार्पयाम गणेश देवता, स्नान समार्पयाम लक्ष्मी माता, जय कलश महाराज, स्नानम समार्पयाम, जय कलश महाराज। अब इस तरह हम सबको स्नान करा देंगे और अब इसके बाद से माला हम अर्पित करेंगे। ये अब ये गणेश देवता को ये माला हम पहना देंगे, इस ये माँ लक्ष्मी को इस तरह से माला गले में पहना देंगे। गणेश जी को पान बहुत पसंद है तो ये पान हम यहाँ इनके पैर के पास रख दिए हैं। अब गणेश जी को रोली का टीका लगाया जाएगा। ये रोली का टीका लग गया गणेश जी को, ये रोली का टीका लग गया और यहाँ भी गणेश जी को हम रोली का टीका लगा दिए। यहाँ ये तो पैक है, ऊपर से रख दिए, जय गणेश देवता महाराज। और यहाँ चंदन है पीला, ये भी गणेश जी को हम टीका लगा देंगे, जय गणेश देवता महाराज, जय गणेश देवता महाराज, जय गणेश देवता महाराज। अब उसके बाद से दूबा है, ये गणेश जी को दूबा हम चढ़ा देंगे। ये यहाँ भी गणेश जी को दूबा यहाँ चढ़ा देंगे। अब इसके बाद से माता को सिंदूर लगाएंगे, पीला सिंदूर माता को लगेगा। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुखवर्धनम सुदम कामदम चवे सिंदूरम प्रति गृहम ताम, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुखवर्धनम सुदम कामदम चवे सिंदूरम प्रति गृहम ताम, पांच बार सिंदूर लगा दिए। अब हमें पुष्प चढ़ाना है, माँ को सिंदूर लगा दिए हम, ये लग गया। अब माँ को लाल फूल बहुत पसंद है तो माँ को ये गुलाब का फूल है, कमल का मिल जाए तो कमल का चढ़ाइए, जो भी आपको फूल मिल जाए वो आप चढ़ा दीजिए। अब ये माँ को फूल, गणेश देवता को फूल, सब देवी देवताओं को फूल चढ़ा दिए हैं। और आज के दिन
एक गणेश ये चांदी का, सोने का, सामर्थ्य के अनुसार जो भी हो आप लीजिए, नहीं कोई भी हो। ये देखिए मैं चांदी का सिक्का खरीद के ले आई हूँ आज, और ये इसको अभी पूजा किया जाएगा। इस पर भी रोली अच्छा सिंदूर चढ़ा दिया जाएगा, इस तरह से ये रोली चढ़ा दिए, सिंदूर चढ़ा दिए, और ये चंदन चढ़ा दिए, ये भी हम रख देंगे यहाँ पर माँ के पास। यहाँ कलश महाराज का भी हम पूजा करेंगे ऐसे, जय कलश महाराज, जलम समर्पयाम कलश महाराज नमः, स्नानम समर्पयाम सब देवताए नमः। अब यहाँ कलश महाराज को ये हम पुष्प चढ़ाएंगे ये, और इनको भी जो है देखिए रोली, ये रोली, सिंदूर, और ये सब हम चढ़ा देंगे। जय कलश महाराज। अब सबको चढ़ाने के बाद जल देंगे सबको हम। जय कलश महाराज, जय कलश महाराज। अब जय माता रानी, जय लक्ष्मी माता, जय गणेश देवता महाराज, सब देवी देवता, जलम समर्पयाम, जय सब देवी देवता, जय। अब यहाँ हम रख दिए। अब हम सबको चार जगह भोग लगाएंगे। ये कलश को रक्षा सूत्र हम अर्पित कर देंगे, वैसे कल गले गले में हम लगाए हैं, लेकिन फिर ये रख दिए। अब हमको भोग अलग अलग सबका लगाना है। अब ये कलश जी का भोग लगा रहे हैं ये, और ये गणेश लक्ष्मी का भोग है, और ये हमें ये सब दीपक महाराज का भोग लग जाएगा, और बाकी सब प्रसाद लड्डू एक जगह हम रख दिए हैं। गणेश भगवान को लड्डू बहुत प्रिय है, इसलिए लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए। और इधर कुछ मेवा मैं रख दी हूँ, देखिए हर चीज़ है, किशमिश है, काजू है, छुहारा है, सब रख दी हूँ। अब ये गणेश जी को एक सेब अर्पित कर रही हूँ, ये गणेश जी को लगा दे रही हूँ, और एक माँ लक्ष्मी को लग जाएगा भोग। अब देखिए दिया तो आप चाहे जितना, इस समय तो पांच दिया मैं सामने जला रही हूँ लक्ष्मी माँ के सामने, और उसके बाद सब दिया जलना शुरू हो जाएगा। एक कोसा ये इस पर पूरा तेल भर दिया जाता है, और इसको रात भर ये जलने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसको ये बुझना नहीं चाहिए। तो ये कोसा रात भर जलेगा। मैं दिया जला दी हूँ, इसके बाद आप मोमबत्ती से सजाइए, झालर से सजाइए, या दिया, लेकिन दिया से बहुत ही रौनक रहता है, और दिया घर में जरूर कम से कम 50 दिया 51 दिया जरूर जलाना चाहिए घर में। और इस तरह से आप लोग जलाइए, बहुत शॉर्ट में मैं पूजा बताई हूँ, इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए मैं ये बर्तन खरीद के लाई हूँ आज, एक चांदी का सिक्का और ये गिलास खरीद के लाए। आप ज़रूरत वाला ही बर्तन लीजिए, जो आपको ज़रूरत लगे वही अपने घर गृहस्थी में। देखिए मैं अब इसी गिलास में मैं आज भोग लगाऊंगी लक्ष्मी गणेश को। ये 6 गिलास है, और आपको ये 6 गिलास है, और इसको अब हम इसको धुल के अब इसमें सब अपने देवी देवता को भोग लगाऊंगी, और कहेंगे हे भगवान मेरे घर हे माँ लक्ष्मी वास करिए, और सदा यहीं यहीं निवास करिए, मेरे घर में कोई धन धान की कमी न हो, और हमसे अगर कोई भूल चूक हो तो उसे क्षमा करिए, और इसी तरह मेरा पूजा स्वीकार करिए। मेरी प्यारी बहनें आप लोग इस तरह से पूजा करिए, और माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाइए। और मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को।